खेत से पास हुई है लाइन, लेकिन ये हमारे खेत से पास ही नहीं हुई, उसका उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। प्राइवेट लाइन है लेकिन कुछ दे नहीं रहे हैं, बोलते हैं हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता, कोई वो नहीं होता। एसडीओ साहब कहते हैं ये हमारे ताता जी हैं, उनके ना 7 किले हैं जी, अगर मिल की दीवार के पीछे से लेके जाए तो उनका कम से कम 1 किला ही खराब होगा, 6 बच जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं एसडीओ साहब कह रहे हैं कोई नहीं, हम तो 7 के ऊपर से लेके जाएंगे ना, नीचे पार्क बना लेना। तो बताओ अब एसडीओ साहब को बोलो तुम ही ले लो इन किलों को, भाई तू ही बना लिए पार्क, हम क्या करेंगे पार्क का। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको डाहर जो बाईपास है वहां से। और यहाँ का मसला यह है कि जो शुगर मिल जो नया बनाया जा रहा है डाहर के पास, उस शुगर मिल के लिए जो हाई वोल्टेज जो टावर है वो लगाए जा रहे हैं, और जिसको लेकर के जो किसान हैं उनके द्वारा विरोध जो है वो किया जा रहा है, और उनकी मांग दो हैं। हालांकि इस डेवलपमेंट के और इस काम के विरोध में नहीं है, इनका सिर्फ विरोध इतना है कि एक तो ये किसान जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो टेंडर के अंदर या जो कंपनी इसको लगा रही है, एक तो वो नक्शा दिखाए यहां से इस रास्ते से जो हाई वोल्टेज तारों का है टावर का है वो किस रूट से निकाला जाना चाहिए, एक तो वो ये लोग रूट मैप मांग रहे हैं। दूसरा नंबर एक मुआवजे की मांग की जा रही है इनके द्वारा कि लिखित में इनको मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर के यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं और जो कंपनी ये लगा रही है वो तमाम लोग किसानों के बीच में जो है बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं। इनके बीच जो है बहसबाजी लगातार जारी है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं कि क्या कहेंगे, उसके बाद में फिर एक एक लोगों से प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जो किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी लगातार जो है इनके द्वारा बात की जा रही है। जो 7 किले में लाइन बीचों बीच चली गई, रंबड़ रह गई जगह 7। प्रशासन के पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई पुलिस नहीं रहना सरकार की, इसी के रहना सरकार होगी। अपना नाम बता दीजिए, क्यों विरोध कर रहे हैं और प्रशासन किस लिए पहुंचे हैं? मेरा नाम प्रदीप भाजी, गाँव डार से हूँ मैं। यहाँ से 132 लाइन या केवी लाइन निकाल रहे हैं इसमें शुगर मिल के लिए, गांव नोलथे से पावर हाउस होके आई है या, और ये हमारे खेतों के बीच बीच हमारे खेत पड़ते हैं इसमें, किसी हर ये भी नहीं अभी कोने पर लगाई और बिल्कुल बीच में लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन से हम इसका वो मांग रहे कि इसकी लोकेशन दो हमको, कि भाई लोकेशन हमारे खेत में से है, पास हुई है, लेकिन वो फिर भी नहीं ये दे रहे कि खेत में पास हुई है, उसका कोई सबूत नहीं दे रहे, बोल रहे हैं इसकी कोई पॉलिसी नहीं होती हरियाणा सरकार की, ना कोई मुआवजा है ना कुछ नहीं है, इसके हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं, ये सारी फसल बर्बाद हो रही है, गेहूँ की फसल खड़ी है, और किसी को बोल रहे हैं 10,000 दे दें, किसी को 20,000, किसी को 1,00,000 का ऑफर दे रहे हैं, इनका कोई फिक्स मुआवजा नहीं है। तो बताओ क्या करें जी किसान, एसडीओ साहब ये करें बोले इसका कुछ नहीं होता, कभी बोलते हैं सब्र करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये क्या करें जी बताओ। एक तो लिखित में मुआवजा दोनों चीजें की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, दोनों मुआवजे की दोनों मांग कर रहे हैं जी, एक तो लोकेशन की हमको डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, यहाँ को हमारे खेत से पास हो रखी है या नहीं हो रखी है, दूसरी बात अगर हमारे खेत में प्रूफ है कि हमारे खेत में पास हो रही है, उसके बाद हमें अपनी जमीन का मुआवजा चाहिए, जहाँ पे हमारा खेत ये लगा लो, हमारी करोड़ों की जमीन 10-10 लाख रुपए कीमत में रहती, सारी मार्केट रेट गिर जाता हमारे खेतों का, और फसल का मुआवजा सारा मुआवजा चाहिए हमने, अगर गड्ढा बिगा तो वो भी उसके बाद चाहिए लिखित रूप में, जब अगर ये हमारे खेत में पास हो रही होगी उसकी लोकेशन लोकेशन चाहिए हमने। यहाँ पे एसडीओ साहब हैं जी और भी बिजली विभाग से कई अधिकारी आए हुए हैं। क्या बातचीत हुई आपसे? हम तो जी नोटिस पे नोटिस, वीडियो साहब एसडीओ साहब बता रहे हैं भाई मेरे को तो कोई पावर नहीं है मुआवजा देने की, मुआवजा लो कोई दफ्तर नहीं पता जी कहाँ से लें, हम 2 दिन का टाइम मांग रहे जी, हमने अपनी छानबीन करने दो, 2 दिन के बाद अपनी लाइन को सुचारू रूप से आप खोदना, हम भी अपने पटवारी जी से डीसी साहब से मिलकर अपने मुआवजे के बारे में अपनी जमीन के बारे में या कोई लाइन की चेंजमेंट है उसके बारे में बातचीत करेंगे, हम भी संतुष्ट होंगे तो आगे हम लाइन खुदने देंगे जी, ऐसे
पुलिस प्रोटेक्शन के तहत आए हैं एसडीओ साहब, बोले भाई लाठी चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। जेसीबी जेसीबी खेतों की खुदाई के लिए बुलाई गई जी, आप चल के देखो कितना बुरा हाल हो रहा है खेत में, पूरी खोद गए, एक एक दो दो किले की खुदाई, मिट्टी मिट्टी हो रही है, कहाँ तक क्या करेगा जी जमींदार। टावर जो लगाए जाने का विरोध करने को लेकर के जो डाहर बाईपास है वहां से तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन अब उसी खबर के सिलसिले में जो मौका किसानों के द्वारा बताया गया वहां पर मैं पहुंचा हूं। जो जमीन इनकी है, खेतों के अंदर हरी भरी खेती के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, और इनका आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये टावर है इस तरह के, और ऐसे ही टावर जो है यहां पर लगाए जा रहे हैं, और एक एक एकड़ के अंदर काफी सारा जो एरिया है वो बर्बाद होता हुआ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें डाहर गांव से फिलहाल ये देख पा रहे हैं कि जहां पर टावर लगाया जा रहा है, एक टावर आप देख पा रहे हैं ये है, और एक ठीक इसके नजदीक लगता हुआ जो टावर है यहां पर लगाया जा रहा है, और उसके ठीक सामने जो जेसीबी आप चलती हुई देख रही हैं, यहां पर भी इस जेसीबी के द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिसमें एक एक एकड़ के अंदर करीब एक चौथाई जो भाग है, करीब एक चौथाई हिस्सा है वो फसलों को इन टावरों की वजह से बर्बाद किया जा रहा है। और यहां पर फिर उन्हीं किसानों से बातचीत कर लेते हैं हम लोग, जिन किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। हम जी देख लिया जी आपने कितनी हमारी फसलें खराब हो रखी हैं, लेकिन ये प्रशासन बिल्कुल भी कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। चलो प्राइवेट मिल है भाई, प्राइवेट लाइन जा रही है ये मिल की, लेकिन मिल हमारा करोड़ों का नुकसान करके ये थोड़ी भी अपने फायदे के लिए ले जा रहा है, ये तो सिर्फ मिल का ही फायदा होगा। इसमें कुछ हमको किसानों का भी होना चाहिए जी, दो दो करोड़ रुपये की कीमत हमारी खेतों की खराब हो रही है, उसमें हमको कुछ फायदा होना चाहिए। ये तो मिल ही दो कुछ हमको, या भी अगर होगी वो भी तब लेंगे हम, तब हमको पूरा विश्वास होगा कि हाँ हमारे खेत से पास हुई है लाइन, लेकिन हमारे खेत से पास ही नहीं हुई, उसका उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, प्राइवेट लाइन है लेकिन कुछ दे नहीं रहे हैं, बोलते हैं हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता, कोई वो नहीं होता पॉलिसी, और बोलते हैं ये तो पोल खड़ा ही होगा, आप कहीं तक चले जाओ कुछ कर लो, ये जबरदस्ती वाली बात हो रखी है। अब ये देख लो ये कितना नुकसान हमारे खेतों का, ये इतने बड़े बड़े पोल लगेंगे, इनके नीचे खेती नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये बोलते हैं हम तुम्हारी जमीन थोड़ी ले रहे हैं, अरे जमीन ले रखे हैं इसमें करेंगे क्या, इसका पोल गड़ गया तो इसके नीचे को खेती नहीं कर सकते, कुछ घर नहीं बना सकते, करेंगे क्या हमको इसका, हमको इस जगह का मुआवजा दो तुम, अगर तुम गड्ढो हो तो हमारी थोड़े आप ही रख लो जमीन, हम क्या करेंगे बताओ। ये 5,000 और 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये हर महीने या हर साल मिलेगा या फिर नहीं? सर एक ही बार बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं पता नहीं कितने मिलेंगे, वो भी अब फॉर्म भरवाते हैं उसमें कोई जुर्माना नहीं लिखते भी, कितना देंगे कितना नहीं देंगे, वो बोल रहे हैं 20 ये फाउंडेशन खड़े होने के बाद 20 दिन बाद आपको मुआवजा मिलेगा, ये तो नहीं पता सर फसल का कितना देंगे, कोई लिख के दो हमको भी, हम इतना मुआवजा देंगे। और फिर दूसरी बात जगह का कोई मुआवजा नहीं, फसल का कोई लिखतम में नहीं है, किसी को 5,000 का ऑफर दे रहे हैं, किसी को 10,000 का ऑफर दे रहे हैं, किसी को लाख को, खुद मेरे को लाख रुपए का ऑफर दिया इन्होंने, मतलब जिससे जो सेटिंग बन रही है जो अड़ रहा है तो उसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। हाँ जिसकी जो सेटिंग बन रही है उसको दे रहे हैं, मेरे को लाख रुपए का ऑफर भी करा है, और मेरे से आगे वाला जिसके खेत में पोल आया हुआ उसको बोला अभी तुम्हारा 10-20 फुट इसको पोल को इधर उधर खिसका भी देंगे, उसको भी ये ऑफर भी किया उसको, लेकिन तू मेरे पास भी कॉल आते हैं, एक्शन का फोन आया, कॉल आया कई बार कि भाई छोटे भाई मान जा रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको वो लगने दे, तू जैसा कहता हूँ वैसा कर लेंगे थोड़ा बहुत लेने दे, लेकिन नहीं जी हम ये लाख रुपए क्या करेंगे जब हमारे करोड़ों की जमीन खराब हो रही है इससे, बस हमारी यही मांग है जी प्रशासन से, इतनी जमीनें खराब हो रही हैं कुछ किया जाए इनका। भाई मारे भी खेत में पोल गिर गया, हम भी लग चुका है क्या? हाँ मेरा तो लग चुका है इधर, मैं बॉम्बे था बाहर जा रहा था, ये मेरे को भी बोल रहे थे 15,000 रुपये मिलेगा मुआवजा, मेरे को तो लग नहीं रहा मिलेगा, अभी प्रशासन सेटिंग कर रहे हैं बस। एक टावर को कभी मतलब एक सीध एक ही सार घुमाना चाहिए था, सीधे एक लाइन में चले गई। हाँ ये इसका रूल होता है ना कि सीधे चलने का। जी सर जब भी कोई लाइन बचेगी जब तक जगह होगी जहाँ तक जगह होगी उसको सीधा तो लेके जाएंगे ना, ये क्या कर रहे हैं
छत अगर चाहे ना तो बाईपास के साइड में कम से कम भी दो दो बीघा जगह खाली पड़ी हुई है भाई साहब नॉर्थ तक सड़क के किनारे किनारे वहाँ लाइन जा सकती है। और पहले लाइन वहीं से पास हुई थी, बाद में पता नहीं कैसे क्या एस्टिमेट हुआ क्या हुआ कुछ नहीं पता, बाद में इन्होंने उठा के खेतों की तरफ घुमा दी है लाइन, बाद में लाइन को पलट दिया इन्होंने, पहले सीधी निकाल रहे थे और अभी भी ना इसको मतलब खेतों से लेके जानी है तो कम से कम सीधी ले जाओ, चाहे उसमें मेरा खेत आता हो पड़ोसी का आता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कर रहे हैं इस लाइन का ना इन्होंने बिल्कुल जहाज बना दिया है जी, एक बार इधर फिर उधर नोरथा ले जानी है सीधा ले जा सकते हैं खेतों के ऊपर से ले जाओ कोई आपत्ति नहीं है। और फिर दूसरी बात ये भी कर सकते हैं सर, थोड़ा थोड़ा ना पोल को कोणों के हिसाब से सेट कर सकते हैं। हाँ जी एसडीओ साहब कहते हैं ये हमारे चाचा जी हैं उनके ना 7 किले हैं जी, अगर मिल की दीवार के पीछे से लेके जाए तो उनका कम से कम 1 किला ही खराब होगा, 6 बच जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं एसडीओ साहब कह रहे हैं कोई नहीं हम तो 7 के ऊपर से लेके जाएंगे ना नीचे पार्क बना लेना। तो बताओ अब एसडीओ साहब को बोलो तुम ही ले लो इन किलो को भाई, तू ही बना लिए पार्क हम क्या करेंगे पार्क का। आगे क्या करने वाले आप आगे जी? देखो अब आज डीएसपी साहब के पास जाएंगे जी, वहाँ जाके पेश होंगे, अगर कुछ सुनवाई होती है तो कल उनके पास गए थे वो बोले कल आ जाना, आगे फिर वो कह रहे थे डीसी साहब के पास चले जाना, देखेंगे जी कहाँ तक ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक जा सकेंगे, जो भी कुछ होगा अब आज देखेंगे जी, दिन में पता चलेगा क्या रहेगा क्या नहीं। बिल्कुल जी। और जी ये लाइन आप दिखा सकते हैं शुगर मिल उधर सामने है, शुगर मिल सामने दिख रहा होगा आपको, इस लाइन को पहले तो इधर ले गए हैं बिल्कुल स्ट्रेट नोरथा गांव की तरफ, फिर वापिस से इधर कर दिया है, और इधर जहाँ ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना जी, इससे आगे 2 किले आगे और है जमीन, वहाँ से वापिस फिर उधर कर दिया है जिधर से लेके आए थे, घुमाए जा रहे हैं मतलब। हाँ जी बिल्कुल घुमाए जा रहे हैं, बताओ इधर से इधर लेके गए फिर इधर और अब फिर उधर लेके जा रहे हैं, उधर से पहले इधर लेके जानी है तो मिल से सीधा भी तो नोरथा की साइड ले जा सकते हैं ना सर। एसडीओ साहब क्या मसला है इनका और ये एक लाइन है 132 केवी की जो शुगर मिल के लिए आ रही है, ये पब्लिक के फायदे के लिए आ रही है लाइन, और डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है हरियाणा सरकार की उसमें कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि जमीन का मुआवजा मैं दे सकूं, मैं हम सिर्फ क्रॉप कंपनसेशन का मुआवजा दे सकते हैं जितनी फसल खराब होती है, और ये शुगर मिल की लाइन है 3 महीने में बनानी है, इसके बिना ये शुगर मिल नहीं चल पाएगा, बस ये है। अब ये लोग जमीन के मुआवजे का हमारे पास कोई ऐसा एक्ट है नहीं। दूसरा नंबर ये भी मांग कर रहे हैं कि भी एक लिखित में ये भी दिखाया जाए इनको कि भी कौन सा जो मैप बनाया गया है, मैप इनको दिखा दिया गया है, ये कह रहे हैं कि कौन कौन से किले नंबर से लाइन गई है, कौन कौन से जो इनकी डिमांड थी वो किला नंबर भी बताया गया है पटवारी द्वारा, लेकिन जो पब्लिक नोटिस होता है वो कॉमन नोटिस होता है, इस गाँव से लाइन निकलेगी जो डिपार्टमेंट जो पब्लिक नोटिस अखबार में निकालता है, अब हर खेत में जाके किला नंबर तो लिया नहीं जा सकता ना जी। आज क्या करने पहुंचे थे आप? और ये जो कुछ लोकेशन है जो पेंडिंग है 5 लोग, इसमें 34 नंबर टावर हैं उसमें से 29 नंबर क्लियर हो चुके हैं, 5 नंबर पे ये थोड़ा ROW है, इसलिए डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने ड्यूटी पे स्टेट BDO साहब को बना रखा है, अब इनसे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ से लाइन हमारे को परमिशन करवा दी जाए निकालने के लिए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन जो है इस काम को करवाने के लिए पुलिस प्रशासन का जो सहयोग लिया गया था, JCB यहाँ पर मंगाई गई थी, लेकिन किसानों के द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, और इनका ये मांग है कि इनकी एक तो लिखित में जो मुआवजा इनको दिया जाए, दूसरा इनका ये है कि जिस रूट से ये हाई एक्सटेंशन जो टावर है वो लगाए जाने हैं वो रूट जो मैप है इनको वो भी दिखाया जाए कि लिखित में इनके द्वारा जो प्रशासन है वो दे। और दूसरा नंबर अब हालांकि SDO जो हैं यहाँ पर पहुँचे थे और उनसे भी हम लोगों ने आपके बीच में जो बातचीत हुई वो भी रूबरू करवाई, और उनका कहना है कि जो हरियाणा सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम किसी को लिखित में मुआवजा दें, हालांकि उनका ये कहना है कि जो बनता है उसके हिसाब से हम देने को तैयार हैं। और अब इन लोगों से जान लेते हैं कि भी अगली जो मांग है आप लोगों की और तो आपकी क्या राय है, तमाम दर्शक कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे, या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही है पूरी या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे, गांव के विकास की पंचायत के कार्यों की
और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।